अविनाश सर, एंजल वन कैसा दिखता है? देखिए, एंजल वन में परफॉर्मेंस तो अच्छा है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि मार्केट में जब थोड़ी बहुत मंदी आती है तभी डिपॉजिटरी अकाउंट्स भी कम खुलते हैं, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस भी थोड़ा श्रिंक होता है। ऐसे मार्केट्स में सारे लोगों को काफी क्लियर होगा कि जो ब्रोकिंग कंपनीज होती है वहां पे एक साइक्लिकल डाउनटर्न आ सकती है। अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर मार्केट्स आने वाले 3-6 मंथ में अगर थोड़े ढीले रहते हैं तो ऑब्वियसली ग्रोथ जो है वो थोड़ा सा मॉडरेट हो जाएगा। तो जिनके पास है वो रखिए, क्योंकि देखिए ये डिजिटल प्लेयर है, इनका जो मेन यूएसपी है कि इन्होंने काफी हद तक डिजिटल के माध्यम से अपने कस्टमर्स की इन्होंने नंबर्स बढ़ाए हैं, तो ये चलता रहेगा। लेकिन जो इंक्रीमेंटल अपसाइड हमने पिछले 6-12 महीने में देखी है वो शायद अभी स्टॉक में इतना जल्दी ना आए, थोड़ा बहुत स्टॉक कंसोलिडेट होगा तो होल्ड करने की राय रहेगी। बेचिए मत, लेकिन फ्रेश खरीदारी मेरे ख्याल से अभी मत करिए। कम से कम 1-2 क्वार्टर्स के नंबर आएंगे, उसके बाद मार्केट का सेंटिमेंट क्या होगा उसके हिसाब से मेरे ख्याल से यहाँ पे पोजिशन बनाएगा। जी, तो ये राय एंजल वन पे, क्योंकि बाजार की कमजोरी के चलते कहीं ना कहीं वो वाली चीजें, बाजार से जुड़े हुए लोग और नया इन्वेस्टमेंट या नए अकाउंट्स भी शायद थोड़ा सा अभी लोग डर रहे होंगे, तो वो एक चीज है।